गुरु और गौरंग सिंह कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ शरण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। जो के है संभाल जो के भुवनानि विभर्ति दुर्गा
तो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो नवरात्रि रखते हैं और माता की उपासना करते हैं, तो उनको बहुत सुंदर जानकारी प्राप्त होगी ना। प्रार्थना करूंगी माता की, कुछ क्वेश्चंस भी नोट डाउन कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि कौन ध्यान से कथा को श्रवण कर रहा है। तो हमारा जो अस्तित्व है उसका परिचय कैसे मिलता है, जिसकी हम आराधना करते हैं। जैसे जैसे हम जिस कुल में पैदा होते हैं वो एक हमारा परिचय होता है, जैसे कोई तारवानी है तो कोई देवानी है तो कोई उत्वानी है, इस तरह से होता ना। उसी तरह से जिस देव की हम आराधना करते हैं वो भी हमारा एक परिचय होता है। इसी शास्त्रों में बताया गया है कि जो शिव जी की उपासना करते हैं उनको शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो विष्णु भगवान की उपासना करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं, और जो शक्ति की उपासना करते हैं उनको शाक्त कहते हैं। तो ये अलग अलग उपासना के जो उपासक हैं उनके नाम हैं। तो हम अगर स्वयं से कहें कि हम कौन हैं, तो वास्तव में हम सब वैष्णव हैं, हम सब भगवान के भक्त हैं, इंटरनली हम भगवान के सेवक हैं। तो हम सब, लेकिन उसके साथ साथ हम शैव भी हैं, क्योंकि हम शिव जी को भी मानते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं, क्योंकि वो कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। उसी तरह से हम शाक्त भी हैं, हम शक्ति की भी उपासना करते हैं। तो ऐसा इसको नया नहीं समझना चाहिए, जो वैष्णव भी है वो भी वास्तव में शक्ति की उपासना करते हैं, इसीलिए उनको गौड़िया वैष्णव कहते हैं। क्योंकि हम कृष्ण से ज्यादा किसकी उपासना करते हैं? श्रीमती राधा रानी की। और राधा रानी कौन है? भगवान की आह्लादनी शक्ति है। तो हम शक्त भी हैं, हम शैव भी हैं, हम वैष्णव भी हैं। तो हम क्योंकि कृष्ण के भक्त हैं तो हम किसी को नकार नहीं सकते, सब कुछ कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है, कृष्ण की ही शक्तियां हैं। तो सब जो जिनको भगवान ने एक स्टैंडर्ड दिया है उनको आराधना करना है। जो वैष्णव होते हैं वो सबको मानते हैं, सब उनके लिए पूजनीय होते हैं, वो किसी का भी निराधर नहीं करते। अब यहाँ पर ये बताना है मुझे कि देखो, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की जिस तरह से अंतरंगा शक्ति है, राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति है, उसी तरह से देवी दुर्गा भी भगवान की ही शक्ति है। जैसे हम बोलते हैं ना आदि शक्ति, तो ये भी देवी जो है वो भी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन भगवान की बहिरंगा शक्ति। भगवान की दो शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति जो है वो राधा रानी है, और बहिरंगा शक्ति जो है वो देवी दुर्गा है। तो हम जब नवरात्रि मना ही रहे हैं तो हमें नवरात्रि का तत्व भी समझना चाहिए, और ये तत्व हमें अपनी मर्जी से, अपने मनमाने ढंग से नहीं, शास्त्र से समझना चाहिए। तो हमारा मूल शास्त्र श्रीमद् भागवतम है, भागवतम में सब है, शिव जी के विषय में भी है, दुर्गा जी के विषय में भी है, समस्त अवतारों के भी विषय में है। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि कारण क्या है कि इन्हीं दिनों में हम नवरात्रि बदलते हैं, मनाते हैं। वैसे नवरात्रि तो चार दफा आती है, लेकिन उनमें से दो नवरात्रि जो है वो मुख्य होती है, एक नवरात्रि जो चैत्र मास में आती है और दूसरी जो अभी अश्विन मास अश्विन में जो आती है,
ये इनमें से भी जो अश्विन मास की नवरात्रि है वो अत्यंत विशेष है क्योंकि इसमें ऋतु बदल रही है। अभी आप देखो अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी है ना, अभी देखना फटाक से जैसे नवरात्रि समाप्त होगी ना कार्तिक में प्रवेश करेंगे तो ऋतु एकदम बदल जाएगी। अब ये ऋतु बदलना ये बहुत विशेष है क्योंकि प्रकृति में जब परिवर्तन आता है तो इस परिवर्तन के समय प्रकृति इस परिवर्तन के कारण इसमें एक विशेष एनर्जी एक विशेष शक्ति प्रकट होती है और इस विशेष शक्ति को यदि हमें कैप्चर करना है अपने अंदर उस शक्ति को निरूपण करना है तो उसके लिए नवरात्रि में नव दुर्गा की उपासना की जाती है। तो प्रकृति की इस विशेष शक्ति से हमें क्या लाभ मिलता है, हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको बूस्ट मिलता है। इसलिए हमको इन नवरात्रि के दिनों में नव दुर्गा की उपासना करने का महत्व बताया गया है। अब हम आपको बताएं कि देखो शक्ति जो है वो वास्तव में शक्तिमान के साथ ही उपासी होती है ना। जैसे आप आज तक पहले भी बहुत सारे मंदिरों में गए होंगे ना, तो आप जब मंदिर में जाते हो मंदिर के दर्शन करते हो तो आप जब भगवान के विग्रह को ध्यान से देखते हो तो एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, शायद आपने नोटिस भी की होगी कि जब भी आप वृंदावन में जाओगे तो राधा रानी के मंदिर है ना, राधा इन्हें जो राधा रानी का महल भी है वहां पर किसी भी आप राधा रानी के मंदिर में जाओगे तो वहां राधा रानी के साथ कौन खड़े होंगे, भगवान कृष्ण। कभी आपने देखा है राधा रानी अकेली खड़ी हो, है ना, कभी ऐसा नहीं होता है, राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण खड़े होते हैं। उसी तरह से यदि आप अयोध्या में जाओगे तो अयोध्या में सीता मैया का भी मंदिर है लेकिन वहां पर जनकपुरी में अगर जाओगे तो भी सीता मैया के साथ श्री राम खड़े होते हैं। जब भी हम द्वारिका में जाते हैं तो रुक्मणी के मंदिर में हमेशा द्वारिकाधीश होते हैं, लक्ष्मी के साथ सदैव नारायण होते हैं। तो ये जो शक्ति और शक्तिमान के एक साथ स्वरूप होते हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। लेकिन आप किसी भी देवी मंदिर में जाते हैं तो देवी माता का कोई भी स्वरूप यदि होता है, जैसे आप देखो दुर्गा माता के मंदिर में जाओ, शक्ति माता के मंदिर में जाओ, वैष्णो माता के मंदिर में जाओ, या फिर मनसा देवी, चामुंडा देवी, काली माता, वहां पर माता अकेले खड़ी होती है ना, उनके साथ शक्तिमान नहीं होते, वो माता जो है वो स्वयं अकेले खड़े होकर हमको वरदान देती है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि राधा सीता लक्ष्मी ये हमेशा भगवान के साथ होती है क्योंकि ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है और दुर्गा देवी जो है वो भिन्ना अलग बाहर है, भगवान से अलग है बाहर है। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं मेरी दो प्रकार की शक्ति है, एक भिन्ना प्रकृति, मेरी भिन्ना प्रकृति है जिससे मैंने ये संसार को रचा है वो है महामाया, वो है ये दुर्गा मैया। इसीलिए दुर्गा देवी के सारे स्वरूप भी भगवान से भिन्न होते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझना है कि ये भगवान की शक्ति है और भगवान की भिन्ना शक्ति है। तो हमने जैसे जाना कि नवरात्रि में कितने दिन होते हैं, नौ दिन होते हैं और नौ दिनों में हमको नव दुर्गा की उपासना करनी होती है। तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, कैसे है अगर मेरे साथ उच्चारण करेंगे तो सारी दुर्गाओं के नाम भी याद आ जाएंगे आपको। प्रथम शैल द्वितीय ब्रह्मचारिणी द्वितीय चंद्रघंटेशु
युष्मानेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्री च महागौरीतिष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतीतिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनां तो नव दुर्गा के ये नव नाम है उक्तानि ये तानि नामानि कौन से नाम है प्रथमं शैलपुत्र प्रथम है शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी दूसरी कौन सी है ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेषु तीसरी चंद्रघंटेषु कुष्मांडेति चतुर्थकम् चौथी है कुष्मांडा माता पंचमं स्कंदमातेति पांचवी जो देवी की उपासना करनी है वो कौन है स्कंद माता षष्ठम कात्यायनी ये वही कात्यायनी है जिनकी उपासना गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए की थी सप्तमम कालरात्रि सातवीं कौन है कालरात्रि महागौरी से षष्ठम जो आठवीं माता है वो है महागौरी नवम सिद्धिदात्री और नवी है सिद्धिदात्री ये नौ दुर्गाओं के नाम है तो हमारे यहाँ पर ऐसा एक प्रचलन चला है कि बस डांडिया उठाओ रास खेलो इसको कहते हैं आ गए नवरात्रि ना मन में कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जाओ उधर डांडिया खेलो बस रात रात तक जागो और रास खेलो तो वो क्या डांडिया लेकिन केवल हाथ में डांडिया लेकर नृत्य करना कूदना ही नवरात्रि नहीं है नवरात्रि का वास्तविक अर्थ है ये नौ दुर्गा का स्मरण करना और उनसे सीखना कि हमें कैसे अपने आध्यात्मिक शक्ति अपनी ऊर्जा को प्राप्त करना है और बुराई जो है उसके ऊपर अच्छाई की जीत कैसे होती है और ये नवरात्रि का वास्तविक प्रतीक है तो हमें ये नौ जो दुर्गा है वो वास्तव में नवधा भक्ति का प्रतीक है जिसे आपने नवधा भक्ति के विषय में सुना है क्या है वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम तो ये जो नव दुर्गा है वो हमें नवधा भक्ति का उपदेश देने के लिए आते हैं ताकि हम जब नवधा भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करेंगे तो ही हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है तो यहाँ पे हम देखें पहले ये आखिर ये नव ये जो माता है दुर्गा माता बहिरंगा माता जो शक्ति माता है उनका वास्तविक स्वरूप क्या है वो है कौन उनका स्वरूप क्या है तो वो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में बताया गया है श्रीमद् भागवतम दसवां स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 4 से प्रारंभ करेंगे जिसमें हमें नवरात्रि ये जो नवरात्रि है दुर्गा माता जो है उनके विषय में पता चलेगा कि वो है कौन तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर अभी हम मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस बताऊंगी कि यशदेव की और वसुदेव जी का विवाह हो चुका है आकाशवाणी के द्वारा पता चल गया कंस को कि उनका जो वध करेगा वो देवकी का आठवां गर्भ होगा और इस कारण से देवकी और वसुदेव को उन्होंने कारागृह में बंद कर दिया और उनके पहले 6 संतानों का वो वध कर चुके हैं उसके बाद से हम कथा को प्रारंभ करेंगे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
हतीषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना हतीषु षट्सु बालेषु षट मतलब छह बालेषु मतलब बच्चों को हतीषु मतलब मार डाला किसने मार डाला किसने मारा अग्रसेना यानी जो अग्रसेन के पुत्र कंस है उसने किसके छह पुत्रों को देवक्या के देवकी के छह पुत्रों को मार डाला। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि भगवत प्राप्ति यदि करनी है वास्तविक शक्ति की प्राप्ति करनी है तो अपने छह विकारों का पहले मारना पड़ेगा। छह विकार क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। जब तक ये रहेंगे ना तब तक शक्ति की आराधना कंप्लीट नहीं होगी। पहले छह विकारों को मारना पड़ेगा। यहाँ पर ये छह हतेषु षट्सु बालेषु छह विकारों को जब मार डाला फिर क्या हुआ? सप्तमो वैष्णवम धामम। फिर भगवान ने देखा कि अब मुझे आना चाहिए क्योंकि मेरे माता पिता बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं। देखिए मैया कितना दुखी थी, छह पुत्रों की हत्या हो गई। तो फिर जैसे ही भगवान ने सोचा कि मुझे आना है, लेकिन भगवान से पहले भगवान के जो अंशा होता है शेष अनंत शेष है, उन्होंने सोचा कि भगवान के लिए तो पहले मुझे सेज बनानी पड़ेगी, आसन बनाना पड़ेगा। क्योंकि बलदेव जी कौन है? बलदेव जी गुरु तत्व है। अब यहाँ से हमें क्या समझना है? जब तक जीवन में गुरु नहीं आ जाता ना तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। इसलिए एक काम तो कर लो कि भगवान से भगवान को ये प्रॉमिस कर लो आज कि जब तक गुरु नहीं करेंगे ना, जब तक दीक्षा नहीं लेंगे ना तब तक हम मरेंगे नहीं। इस जन्म में दीक्षा जरूर लेंगे, किसी वैष्णव आचार्य की शरण जरूर लेंगे, ऐसा नहीं कल मर जाए, इसमें देर नहीं करनी। ऐसा कहा गया कि जो गुरु नहीं करता, जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी गुरु नहीं करता, वो तो इस संसार में सबसे बड़ा हत्यारा है, वो तो कसाई से भी बड़ा पापी है। क्योंकि कसाई पशुओं को मारता है, जो गुरु नहीं करता वो तो अपनी आत्मा का हनन करता। तो सिद्धांत है कि आठवें गर्भ में भगवान आने हैं, लेकिन भगवान से पहले सातवें गर्भ में कौन है? सप्तमो वैष्णवम धामम। वैष्णवम धाम मतलब वैष्णव भगवान के अंश है और वो आधार है संपूर्ण वैष्णवों का। गुरु ही आधार है ना, गुरु से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो बलदेव जी आते हैं और यमनंतम प्रजक्षते, और फिर वो आते हैं और उसके बाद भगवान क्या करते हैं? जैसे ही बलराम जी आते हैं गर्भ में, उसका रिएक्शन क्या निकलता है वो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। गर्भो बभूव देवक्या, जैसे ही बलदेव जी गर्भ में बभूव आ जाते हैं, देवक्या देवकी के गर्भ में जैसे ही आ जाते हैं तो देवकी के अंदर दो प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कौन से? हर्ष शोक विवर्धना। हर्ष का मतलब होता है खुशी और शोक का मतलब होता है उदासी। सातवां गर्भ आ गया, देवकी के गर्भ में स्थापित हो गया और उसके कारण देवकी को खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है जब गुरु जीवन में आते हैं ना तो खाली आनंद ही आनंद नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हमको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही जो दिल करे खा सकते हैं, जो दिल करे देख सकते हैं, जो दिल करे करे जीवन गुजार सकते हैं, ऐसे नहीं। भगवत प्राप्ति इतना सरलता से नहीं होती, गुरु के आदेशों का पालन करना पड़ता है। और फिर गुरु करने से पहला जो आनंद आएगा वो क्या आएगा? जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो सब तो होगा, उसके लिए तो खुशी होगी। लेकिन साथ में क्या करना पड़ेगा?
साथ में चार नियम का पालन करना पड़ेगा, नो मीट ईटिंग, कंदा लहसुन बंद, नो वाइन, नो गैम्बलिंग, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, शराब नहीं पिएंगे, गैम्बलिंग नहीं करेंगे, नो इलिसिट सेक्स, सोला माला का जप करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि सरलता से कुछ नहीं मिलता। जब तक सैक्रिफाई नहीं किया जाता तब तक कुछ नहीं मिलता। जब तक हम अब कुछ त्यागेंगे नहीं तब तक प्राप्त करना नहीं। हम समझते खाते पीते खेलते सीते ऐसे ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देवकी और देवकी के जो रिएक्ट है वो क्या हुआ, वो खुश भी होती हैं और दुखी भी होती हैं। और उसके बाद क्या भगवान ने सोचा, अरे मैं सोच रहा था मैं जाऊं लेकिन ये तो मुझसे पहले तो बलदेव जी आ गए मुझे ओवरटेक करके। तो अभी क्या है, बलराम जी जो है ना वो बहुत खतरनाक है। बलराम जी जो है उन्होंने भगवान ने सोचा अगर ये पहले चले गए देव की माता को दुखी तो वो देख नहीं सकेंगे और देव की मैया को दुखी देखेंगे, कंस तो आएगा ना, छह पुत्रों को मारने के लिए आया तो सातवें को भी मारने के लिए आया, और सातवों को मारने के लिए आएगा तो बलराम से देखा नहीं जाएगा तो बलराम क्या करेंगे, वहीं पर उसका वध कर देंगे, वहीं उसका वध कर देंगे। मेरी तो लीला हुई चौपट, मेरे को जन्म लेना है, मुझे कितने सारे काम करते हैं, मेरी लीला चौपट हो जाएगी, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं। अभी क्योंकि सृष्टि का काम जैसे हमने पढ़ा, अभी देवी माता को प्रणाम करते हुए सृष्टि स्थिति प्रलय सृष्टि का पूरा काम जो है वो भगवान ने अपनी माया शक्ति दुर्गा शक्ति को सौंपा है कि भाई ये सृष्टि के अंदर जो भी उल्टा पुल्टा करना होगा ना, किसी को जिलाना है, किसी को मरवाना है, किसी को किसी के गर्भ में डालना है, किसी के गर्भ से निकालना है, ये तुम्हारा काम है, मुझे इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। तो भगवान जैसे इसका उदाहरण आचार्यगण देते हैं कि बहुत बड़ी जो फैक्ट्री होती है उसका अगर बहुत बड़ा मालिक होता है और फैक्ट्री में अगर किसी मशीन का नट बोल्ट चेंज करना होता है या फिर कुछ सेटिंग करनी होती है तो मालिक तो नहीं आएगा ना, वो अपने वर्कर्स को भेजेगा। तो भगवान इस सृष्टि के काम को पूरी सृष्टि के कार्यक्रम को करने के लिए क्या करते हैं, वो अपनी शक्ति को आज्ञा करते हैं। तो यहाँ पर अभिमद भागवत 10वां स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 6 उसमें यहाँ पर दुर्गा मैया की एंट्री होती है। भगवान जो है वो महामाया को बुलाते हैं और बहुत ही सुंदर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान अभी विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिश। भगवान अभी विश्वात्मा, पहले तो भगवान का परिचय देते हैं सुखदेव गोस्वामी। भगवान वो है जो षडेश्वर्य से युक्त है, भगवान वो है जो संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है, भगवान वो है जो संपूर्ण जगत के मूल कारण है, विश्व आत्मा, जिस संपूर्ण सृष्टि जिस जितने भी जीव हैं वो जीव आत्मा को जो शक्ति प्रदान करने वाले हैं वो विश्व आत्मा है। विदित्वा कंसजं भयम्, उनको कंस के भय के विषय में पता चला। अभी दो प्रकार के भय थे, एक तो देव की माता का भय था कि मेरा पुत्र सातवां उत्पन्न होगा उसका भी कंस वध कर लेगा, और भगवान को क्या भय था कि बलराम जन्म लेगा तो कंस को मार डालेगा। तो फिर ये दो प्रकार के भय को देखा भगवान ने, तो बोला कुछ तो मैजिक करना पड़ेगा और मैजिक के लिए आदि शक्ति को प्रकट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं यदूनाम निजनाथानाम, वो यदुओं के भगवान, यदु जो समस्त अपने आश्रय निजनाथानाम जो भी उनके शरण में आता है उनको वो उनके उनको जरूर रक्षा करते हैं। वैसे तो वो भगवान हैं, भगवान का मतलब क्या है,
केवल कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते हैं, वो समर्थ हैं, वो स्वयं भी बलराम जी को निकाल के रख सकते थे, लेकिन वो सोचते हैं भाई जिनका काम है उनके द्वारा करवाना चाहिए, ये सृष्टि की रचना का काम तो मेरा है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, योग माया समादिश, योग माया, योग माया को पुकार, सम आदिशत, आदिशत का मतलब होता है उनको आदेश दिया। तो भगवान पुकारते हैं हे योग माया, और योग माया जो देवी योग माया है वो हाथ जोड़कर कहती है आज्ञा कीजिए स्वामी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। तो योग माया समादिशत, सम आदिशत मतलब भगवान जो है उनको आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं, वे कहते हैं गच्छ देवी, गच्छ मतलब तुम जाओ। तुम्हारो देवी माता बोलेगी कहा जाओ, तो कहते हैं गच्छ देवी ब्रजम पत्रे, कहा जाओ ब्रज पत्रे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कहा जाना है ब्रज में जाना है। अच्छा ब्रज तो बहुत बड़ा है, 84 कोस का है, तो मुझे कहाँ जाना है। तो भगवान कहते हैं गोप गोभीर अलंकित, जहाँ पर गोप है, गोपियां हैं, गौवे हैं, वो ब्रज में जाओ। तो बोला अच्छा फिर वहां जाकर मुझे क्या करना है, आप आदेश दीजिए। तभी भगवान कहते हैं रोये वासुदेवस्य भार्यस्ते नंद गोकुले, रोहिणी, रोहिणी जो है वो कौन है, वसुदेवस्य भार्या, वसुदेव की पत्नी है, भार्या है वो नंद गोकुल, वो नंद गोकुल में रोहिणी जो है वो किसकी पत्नी है, वसुदेव की पत्नी है। तुम्हारा योग माया ने कहा अच्छा वसुदेव की पत्नी तो देव की है, तो बोला हाँ मगर रोहिणी भी है, दूसरी भी पत्नियां हैं जो कि अलग कंस के भय से अलग अलग जगहों पे रहती हैं, तो वहां पर है तो अन्यास्य कंस कंस संवेदना विवरेशु वसंती, दूसरी भी है वो अलग अलग जगहों पर है। तो बोला अच्छा ठीक है मगर मुझे क्या करना होगा, मतलब माता की और भगवान की क्या चल रही है, डिस्कशन चल रही है। तो भगवान ने माता को बोला हे योग माया तुम जाओ ब्रज में, और वहां पर नंद गोकुल में रोहिणी जो कि वसुदेव की पत्नी है, बोला हाँ मगर उससे करूं क्या, करना क्या है। तो भगवान आगे आठवें श्लोक में कहते हैं देव क्या जठरे गर्भ, देवकी के गर्भ में अभी बालक है। अच्छा वो कौन है जो अभी देवकी के गर्भ में है, जिसकी आपको चिंता हो रही, क्या कोई विशेष बालक है प्रभु। तो भगवान कहते हैं शेषाख्यम नाम मामकम, ये तो शेष है, अनंत शेष जो मेरा धाम मेरा अंश है, वही देवकी के सातवें गर्भ में आए हैं। तो बोला अच्छा फिर मुझे क्या करना है, तो भगवान कहते देखो अभी आपको एक ऑपरेशन करना है। तो कौन सा, तभी वो कहते हैं तत्सनिकृष्य रोहिण्या उदरे सनिवेशया, तो देवकी के गर्भ से सनिकृष्य उसको वहां से संकर्षित करना है, उसको वहां से निकालना है, और रोहिणी के गर्भ में उदरे सन्निवेशता, रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करना। बोलो तुम मेरा ये काम करोगी, तो योग माया कहती है जो आज्ञा प्रभु, मैं निश्चित रूप से ऐसा ऑपरेशन करूंगी कि ना देवकी को पता चलेगा ना रोहिणी को पता चलेगा। और हुआ कैसे,
देवकी के गर्भ से बालक निकल गया, उनको पता नहीं चला, वो सोचे पता नहीं कैसे, शायद कंस के भय से मेरा सातवां गर्भ गर्भ में ही सो गया, और वही के गर्भ में अचानक से बालक आ गया। परेशान बालक कहां से आया? तो बोला देव योग माया कहती है मैं ऐसा ऑपरेशन करूंगी ना किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे क्या मतलब ऐसा सोचा होगा, बोला नहीं होगा भगवान को। तो फिर भगवान ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम मेरी छोटी बहन बनकर आओगी। तो ये जो योग माया है वो भगवान की छोटी बहन बन जाएगी। आगे हमने देखा कि फिर क्या करते हैं भगवान, और भी आगे बताते हैं कि उसके बाद क्या करना है। अथाहम देवक्या पुत्रताम शुभे। अब तुम जब सातवां गर्भ निकाल दोगी तो आठवां गर्भ, अथाहम अंश भागेना, मेरा एक अंश, भगवान कहते मेरे एक अंश में मैं आठवें गर्भ में देवकी के पुत्र में के रूप में आ जाऊंगा। तो बोले तो आप देवकी के पुत्र के रूप में आओगे तो मैं बहन कैसे बनूंगी? बोला नहीं, देवकी के पुत्र के रूप में अथवा अंश भागेना, मैं अंश के रूप में आऊंगा, लेकिन पूर्ण कला से युक्त साक्षात भगवान के रूप में तो मैं यशोदा के गर्भ में आऊंगा। इसलिए अब तुम्हें क्या करना है, प्राप्स्यामि त्वां यशोदायां नंदपत्न्या भविष्यति। फिर तुम क्या करना, यशोदा के गर्भ में जो नंद की पत्नी है उसके गर्भ में तुम आ जाना, मैं भी वहीं आऊंगा, फिर तुम मेरी बहन करके वहां से उत्पन्न हो। बस कृष्ण कन्हैया लाल की बोलंबे मात की। तो भगवान इतना कहने के बाद जब देव माता योग माया बहुत प्रसन्न होती है तो भगवान उनको एक आशीर्वाद देते हैं, वो भी भागवतम में लिखा हुआ है। भागवतम की दसवें सिकंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 10 में, दसवें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर तुमने मेरा काम अच्छे से कर दिया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। क्या आशीर्वाद देते प्रभु? तो भगवान कहते हैं अर्चिष्यति मनोषस्त्वाम। फिर सारे जो मानव हैं वो तुम्हारी आराधना करेंगे। अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो एक तो तुम्हें पहला आशीर्वाद मिलेगा, तो मेरी छोटी बहन के रूप में आओगी, और दूसरा क्या कि सारे जो मनुष्य अर्चिष्यन्ति मनुष्यस्त्वाम और आपकी पूजा करेंगे। तो भगवान को देवी योग माया कहती है मेरी क्यों पूजा करेंगे प्रभु, मनुष्य को तो आपकी पूजा करनी चाहिए, आप भगवान हो। बोला हाँ मैं भगवान हूँ, लेकिन अगर कोई इच्छाएं लेकर आएगा, भगवान कहते सर्व काम वरेश्वरी, तो सारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो तो पूरी कर दो, आपके अंदर इतनी शक्ति है सर्व काम वरेश्वरी कि भौतिक सारी इच्छाएं पूरी करोगे। तो मानो माता पूछेगी अच्छा फिर मेरी पूजा कैसे करेंगे लोग? अब देखो भगवान बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। ये है ना श्रीमद् भागवतम 5000 साल पहले लिखा हुआ है और वेद व्यास जी ने, और उसमें बताया गया है कि कैसे पूजा होगी। वो कहते हैं धूपोपहार बलि भी सर्व काम वर प्रदान। धूप धूप जो देखो माता जी की उपासना में धूप होता है, बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं ना, धूप से पूजा करते हैं। उपहार अलग अलग भेंट लेके जाते हैं, कुछ फल फूल माता जी के लिए चुनरी लेके जाते हैं, माता जी के लिए और भी दूसरे वस्त्र आभूषण लेकर जाते हैं, बलि भी अलग अलग निवेद्य लेके जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि जब वो सब लेकर आएंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे तब
सर्व काम वर प्रदा, आप सारे काम के जितने भी इच्छाएं हैं उनको पूरे करने का वरदान दे दो। तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती है, धन्यवाद कहती है, बोले सुनो भगवान बोलते हैं और भी एक बात है। अच्छा क्या? बोला जैसे मेरे बहुत सारे नाम है ना, मेरे बहुत सारे नामों के द्वारा पूजा होती है, भगवान के हजारों नाम है, तो कहते जैसे मेरे हजारों नाम है ना, मनुष्य लोक में तुम्हारे भी हजारों नाम होंगे, बहुत सारे नामों से पूजा होगी। और भगवान कहते हैं नाम हेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भूमि। अलग अलग स्थान में मनुष्य नरा भूमि मतलब मृत्यु लोक या मनुष्य लोक में अलग अलग स्थान में तुम्हें अलग अलग नामों से पूजा जाएगा। दुर्गा मैया पूछी कि अच्छा कौन कौन से नामों से पूछा जाएगा, तो भगवान वही बताते हैं, वे कहते हैं दुर्गे भद्रकाली विजया वैष्णवी च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्ये कीर्ति च माया नारायणी शानी शारदेत्यंबिकेतिच। तो भगवान एक बड़ी लिस्ट बता दी कि किन किन नामों के द्वारा आपकी पूजा होगी, दुर्गा के नाम से और बदे काली विजया वैष्णवी कमुदा चंडिका कुष्मंडा कृष्णा माधवी कन्या माया नारायणी ईशानी और शारदा इत्यादि नामों से आपकी पूजा होगी। कलयुग में जो भी आप किस तरह से पूजा करेंगे, आप उनके मनवांछित जो उनके काम है इच्छाएं है वो पूरी करेंगे। तो प्रथम जो है मैंने आपको कहा था कि प्रथम देवी का नाम क्या है, प्रथम शैलपुत्री च। तो माता जो है वो पहली जो है उनका नाम है, पहले दिन जिस माता के जिस स्वरूप की पूजा होती है उनका नाम है शैलपुत्री। शैल किसको बोलते हैं, पर्वत को, पुत्री अर्थात बेटी। तो वो पर्वत कौन से है जिनकी बेटी है, वो हिमालय पर्वत। तो पहले दिन जिस माता का स्वरूप की पूजा होती है उनका नाम है शैलपुत्री। तो मानो प्रश्न ये उठता है कि भाई माता तो आदि शक्ति है, आदि भवानी है, फिर उनको जन्म क्यों लेना पड़ा शैल के घर पे या हिमालय के घर पे जन्म क्यों लेना पड़ा। तो मैंने जैसे बोला आपको कि ये जो माता के नव स्वरूप है वो हमें नवभा भक्ति की शिक्षा देते हैं। तो पहला जो भक्ति का अंग है वो क्या है, वो है श्रवण। तो शैलपुत्री जो है वो हमें भगवान के विषय में श्रवण करने के महत्व को समझाते हैं कि क्यों उनका ऐसा जन्म हुआ। आखिर आदि शक्ति है, भगवान की शक्ति तो ऑलरेडी है ना। जब भगवान, अभी हमने पढ़ा कि भगवान जो गर्भ में भी अभी नहीं आए थे उससे पहले माता को बुलाते योग माया, तो जाओ और रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो देवकी का पुत्र। तो माता तो ऑलरेडी है, फिर भला क्या ऐसा हुआ कि माता को दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो उसका कारण ये है कि उन्होंने ध्यान से या श्रद्धा से श्रवण नहीं किया। तो ये हमारे लिए एक आदेश है। हुआ क्या था, हम जानते हैं कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, शिव जी को नहीं बुलाया, लेकिन पार्वती भगवान की अर्धांगनी जो महादेव की अर्धांगनी पार्वती है, उन्होंने कहा मुझे भी जाना है। महादेव ने कहा ना जाओ, क्योंकि बुलाया नहीं है। बोला मेरे पिता का घर है तो मुझे जाना पड़ेगा। वहां पर गई महादेव की आज्ञा ना पाकर, लेकिन जाने के बाद क्या हुआ, दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया और पार्वती जी ने अपना देह, सती जी ने अपना देह त्याग दिया। तो ये आदि शक्ति जो है उसका देह त्यागना पड़ा। इसका कारण क्या था, रामायण से प्रारंभ होता है। रामायण में क्या होता है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए ऋषि कुंभ जना। तो एक बार
त्रेता युग में शिव जी जो है वो अपनी पत्नी के साथ कुंभज जी के आश्रम में जाते हैं, और जाते ही क्या होता है, पति पत्नी आदि भवानी है वो जाती है शिव जी के पास, और जैसे ही कुंभज जी के आश्रम में पहुंचती है कुंभज जी उनको प्रणाम करते हैं। वे सोचती है कि ये वो मेरे पति में ऐसा क्या है जो उनको प्रणाम करती है। तो पहले ऋषि के ऊपर जो है ना उनकी श्रद्धा नहीं होती, और इसके कारण वो कथा को जो ऋषि जो है वो कथा सुनाते हैं उसके अंदर श्रद्धा नहीं होती, और वो सही से कथा को श्रवण नहीं करती। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो श्रद्धा नहीं है, दूसरा श्रवण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 9:3 में, अशक्त दाना पुरुषा धर्म से पर अप्राप्य मृत्यु संसार वर्तमान, के जिनको इस मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, अशक्त दाना पुरुषा धर्म से पर वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो ज्ञान का प्राप्त होता है श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम, जब श्रद्धा होगी। अब श्रद्धा से अगर हम सुनेंगे तो ही लाभ होगा, लेकिन उनको पहली तो श्रद्धा नहीं थी, दूसरा उन्होंने सुना नहीं, और फिर जब कथा खत्म होने के बाद जा रहे थे राम जी को प्रणाम किया शिव जी ने, और फिर कहने लगी ये भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान होते तो फिर यूं इस तरह से अपनी पत्नी के दुख में रो रहे होते। भगवान शिव जी कहते हैं हाँ ये भगवान है, लेकिन पति की बात में नहीं मानी और बोला मुझे तो इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी, और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, सीता जी का स्वरूप धारण किया, श्री राम ने प्रणाम करके कहा देवी आज आप अकेले जा रहे हो, महादेव कहाँ है। तो उसी दिन क्या था कि शिव जी ने तो परित्याग कर दिया कि जिन्होंने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है उनको तो मैं अपनी पत्नी का स्थान नहीं दे सकता। और उसके बाद क्या हुआ, जब इनको पता था कि शिव जी ने मुझे त्यागा है और उसका कारण क्या है, मैंने कथा में श्रद्धा नहीं रखी, दूसरा भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, तो इसके कारण उनको दूसरा जन्म लेना पड़ा। कहां पर लेना पड़ा, प्रथमम शैलपुत्री च फिर शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री बनकर आना पड़ा। तो हमें पहले स्वरूप से शैलपुत्री के स्वरूप से वो हमें याद कराती है कि हमेशा भगवान की कथा में श्रद्धा रखो और श्रद्धा से श्रवण करो तो भगवान तुम्हें कभी नहीं त्यागेंगे। तो पहला देखो नवधा भक्ति के पहला स्टेप है आदौ श्रद्धा, इधर जो श्रवण कीर्तन है उसी तरह से जो दूसरे स्टेप्स हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है उसमें है पहला श्रद्धा, और जो पहला स्वरूप है माता जी का वो हमें याद कराती है। क्या याद कराती है कि क्या करना है, श्रद्धा से भगवान की कथा को श्रवण करना है, वरना तो फिर प्रथमम शैल मैं तो आदि शक्ति हूँ लेकिन मुझे भी हिमालय के घर में जन्म लेना पड़ा तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा जब तुम श्रद्धा से श्रवण नहीं करोगे। दूसरा क्या है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म मुझे याद ही नहीं आया क्यों, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हमारे पास समय नहीं है, हम यहाँ कथा खत्म करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी ब्रह्मचारिणी माता के बारे में कि ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप कैसा है। एक हाथ में वैसे तो माता के स्वरूप अष्टभुजाधारी होती है, वो शेर के ऊपर सवार होती है, लेकिन ब्रह्मचारिणी माता जी कैसी होती है, उनके एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, वो किसी सवारी में भी नहीं बैठी है बल्कि वो खड़ी है, और वो हमें दूसरी भक्ति का संदेश देती है। श्रवण के बाद क्या आता है, कीर्तन, हमको भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का
जप करना चाहिए। तो हमको दूसरे दिन जो है वो ब्रह्मचारिणी माता जी का की सेवा करनी पड़ती है, जो कि हमें कीर्तन यानी भगवान की भक्ति का पहला अंग है, श्रद्धा से श्रवण करो और दूसरा कीर्तन करो। और दूसरा स्टेप क्या है, अदव श्रद्धा तथा साधु संग। कीर्तन कैसे करना पड़ेगा, भक्तों के संग में रहकर कीर्तन करना पड़ेगा। और उसके बाद चंद्र जो हमें स्मरण के विषय में बताती है, ऐसे करके नव दुर्गाओं के स्वरूप है। आप सबको बहुत बहुत आभार जो श्रवण किया।